हमारे बीच एक महिला उम्मीदवार है पंचायत समिति के लिए, लाखों पंचायत से हैं और इस बार पहली बार ये खड़ा हुई हैं और इनसे जानते हैं इनका क्या नाम है। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम भारती कुमारी है। तो भारती जी, आप किस पद के लिए खड़ा हुई हैं? मैं पंचायत समिति पद के लिए खड़ा हुई हूँ। क्या कौन सा छाप है आपका? मेरा चारपाई छाप है। तो इस बार चारपाई छाप को लेकर कौन कौन से वादों को लेकर आप इस बार आई हैं चुनाव में? मैं अभी वादों के बारे में क्या बताऊं, वो तो जब मैं जीतूंगी उसके बाद मेरे जनता देखेंगे कि मैं क्या कर सकती हूं क्या नहीं कर सकती हूं। तो मैडम, आपने तो अभी क्षेत्र आप भ्रमण किए हैं, आप घूमे हैं इस बार वोट मांगने के, तो क्या क्या कमी आपको नज़र आई? बहुत सारा कमी नज़र आया है। सबसे पहले तो बहुत जगह ऐसा है कि रोड का समस्या है, नाला पानी का समस्या है कि सही जगह, मतलब कीड़ा मकोड़ा हर चीज़ में आदमी रह रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम करने जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैडम, हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या पढ़ कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैं ग्रेजुएशन की हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन की हुई है। हिस्ट्री ऑनर्स से। तो हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी शिक्षित हैं, तो क्या जनता का क्या रिस्पॉन्स आ रहा आपके प्रति? अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा, जहाँ भी मैं जा रही हूँ मुझे लोग यही कह रहे हैं कि आपका अच्छा है, तो इसलिए मैं आप ही को वोट करूंगी, क्योंकि जो जीत रहा है तो उसी वोट एक भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, मतलब जनता आपके समर्थन में है ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक शिक्षित समाज हो, तो एक शिक्षित समाज, जैसे आप शिक्षित समाज से हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप बदलाव ला सकते हैं? जी, एक शिक्षित आदमी बदलाव ला सकता है। हाँ, जरूर ला सकता है, उसमें युवा सब सपोर्ट करें। अच्छा, तो युवा आएंगे। मैं जनता से अपील करती हूँ कि एक बार चांस सबको मिलना चाहिए। हाँ, एक चांस सबको मिलना चाहिए, वो हमें भी एक चांस दे, उसके बाद बस एक बार चांस सबको मिलना चाहिए, और मैं क्या कहूँ अपने जनता से। तो चांस जो मिलना चाहिए वो किस पर मुहर दबाएंगे, किस पर बटन दबाएंगे तो आपका चांस आ जाएगा? चारपाई छाप पर। क्रमांक संख्या दो पर। तो ये है चारपाई छाप से क्रमांक संख्या दो पर, और इनका कहना है कि अगर शिक्षित समाज से मैं बिलोंग करती हूँ और मुझे अगर जनता आगे लाना चाहेगी तो ये अपने समाज का, अपने क्षेत्र का ये विकास करेगी, क्योंकि इनका कहना है कि ये, मतलब अभी पंचायत घूमी है, रिस्पॉन्स भी इनका अच्छा आ रहा है और इस बार पंचायत समिति के लिए ये अव्वल दावेदार हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी शिक्षित हैं, इनसे मिलकर भी अच्छा लगा। तो जो जनता, लाखों की पंचायत की जनता देख रही है, अगर मुझे लगता है कि अगर इनको वोट करती है, इनको सपोर्ट करती है, तो ये आगे आकर अपना जो शिक्षा का जो ज्ञान है वो अपने समाज तक बांटेगी और एक शिक्षित समाज बनाने में एक सर, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इनको? मेरी पत्नी है, तो पहला नंबर मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ पंचायत चुनाव में, और सपोर्ट हमारे घर से पूरा फैमिली कर रहे हैं, फुल्ली सपोर्ट रहेगा इनको, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह से घूम रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। जब घूमते हैं इनके साथ, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, तो क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? समस्या जो बताई, शिक्षा का, नाला का, रोड का, ये सब बहुत समस्या है अपने मेरे पंचायत में। जो मैं पंचायत समिति पद से उम्मीदवारी लिया हूँ और इसमें मैं विजय प्राप्त करके इस सब समस्या को मैं पहले दूर करूँगा, उसके बाद फिर आगे का जो प्रोसेस होगा वो मैं करूँगा। क्या लगता है, जो लाखों पंचायत की जनता जो आपको देख रही है, किन कामों को लेकर अगर आप जीतते हैं तो कौन कौन से काम करेंगे? जनता को हमसे उम्मीद है, बहुत सारा उम्मीद है कि एक जो होता है पंचायत समिति का जो फर्ज होता है वो फर्ज मैं निभा सकता हूँ, जनता को ये उम्मीद है। मेरे पास ना कोई दलाली, ना कोई पैकारी, ये सब मेरे पास कोई कर नहीं सकता है, मैं साफ छवि का लोग हूँ, मेरा छवि पता कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को घुसखोरी करने दूंगा मैं अपने पंचायत में। सबसे पहला मैं इस बार पूरा सिस्टम संभाल देंगे जी, पूरा सिस्टम अपने पंचायत का रखूँगा। सर, क्या सपोर्ट कर रही है जनता आपको? फुल्ली सपोर्ट कर रही है जनता, आप क्षेत्र घूमिए उसमें पता चलेगा आपको। तो कौन से क्रमांक पर, कौन से छाप पे बटन दबाएगी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो? चारपाई छाप पर जनता से मैं अपील करता हूँ, चारपाई छाप पर क्रमांक संख्या दो पर बटन दबाकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाए। तो ये थे इनके जनप्रतिनिधि और इनको नेतृत्व कर रहे हैं, और इनके नेतृत्व में इस बार ये पंचायत चुनाव लड़ रही है। अगर आपको सपोर्ट करना है इनको और इनको आगे लाना है,
तो इनको सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी शिक्षित है, मुझे भी इनसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि शिक्षित समाज के लोग ही अपने समाज को और अपने पंचायत को बदल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में जहाँ जिसका नाम है मुखिया जी काम कह लो कि नहीं, जहाँ हम बताते हैं आपके क्षेत्र में असल में कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और कौन आपके लिए सुयोग है और कर्मठ है और समाज सेवी है। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूँ अलविदा, तब तक आप हमारे चैनल को जुड़े रहे जिसका नाम है FOB News, ताकि हम ऐसे ऐसे खबरें लाते रहें। इसी के साथ नमस्कार।